आप देख रहे हैं के न्यूज की विशेष प्रस्तुति है तैयार हम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ तलखी के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी करता है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत को आए दिन गिदड़ धमकियां भी देता है। ऐसे में भारत ने अपने दोनों पड़ोसी देशों के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दे रही है। घाटी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने डोकलाम से सेना हटाने से साफ इनकार कर दिया है। चीन बार बार को गीदड़ धमकी देने से बाज नहीं आ रहा लेकिन भारत का रुख साफ है, स्पष्ट है। भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत अपने खिलाफ उठने वाले हर कदम का करारा जवाब देने को तैयार है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। तो भारतीय सेना ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान में इसकी बौखलाहट साफ देखने को मिली। पाकिस्तान ने आतंकियों के मारे जाने के बाद एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। दरअसल भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ के बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक LOC पर कुछ और घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सेना ने किया घुसपैठ के बड़े प्रयास को नाकाम। 5 आतंकियों को मार गिराया। LOC पर कुछ और घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका। घाटी में जारी है सेना का ऑपरेशन। घाटी में आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। घाटी में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ के बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। सेना के मुताबिक LOC पर कुछ और घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है। इसी आशंका के चलते घाटी में सेना ने अभियान जारी रखा हुआ है। कार्डन वॉज लेड इन द नाइट एंड द एनकाउंटर एंड शूट इन विच वन पाकिस्तानी टेररिस्ट वॉज बिलोंगिंग टू LET वॉज किल्ड। उमर भाई वॉज हिज कोड नेम एंड वन आर टू टेररिस्ट किल्ड। आतंकियों पर हो रही कार्रवाई ने बढ़ाई पाक की उलझन। आतंकियों पर हुई कार्रवाई से बौखलाया पाक। पाक सेना ने उड़ी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर की गोलीबारी। एक जवान हुआ घायल। जवान के सिर में लगी गोली। आतंकियों पर हो रही कार्रवाई से पाक किस कदर बेचैन है इसकी नजीर भी सामने आ गई है। मच्छर सेक्टर में अपने 5 आतंकियों की मौत से पाक बौखला गया है। इसी बौखलाहट में पाक सेना ने उड़ी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने शाम करीब 6 बजे उड़ी सेक्टर में जमकर गोलाबारी की।
गोलियों की बौछार थमने के कुछ देर बाद भारतीय जवानों के एक दल ने घुसपैठ की आशंका को देखते हुए इलाकों में तलाशी शुरू की। इस दौरान सेना के चार गढ़वाल रेजिमेंट का एक हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट पाक की तरफ से हुई गोलाबारी में घायल हो गया। जवान के सिर में गोली लगी है, जहां से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल इलाके में गश्त कर रहे एक सैन्य दल ने घुसपैठियों को भारतीय इलाके में देखा और उन्हें सामने आने की चुनौती दी। इस पर घबराए घुसपैठियों ने वापस गुलाम कश्मीर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जवानों ने आसपास की सुरक्षा चौकियों को सूचित करते हुए घुसपैठियों का पीछा किया। इस दौरान घुसपैठियों की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। उसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों की तरफ से करीब 6 बजे गोलियों की बौछार बंद होने पर जवानों ने मुठभेड़ की जगह पर तलाशी ली तो उन्हें वहां गोलियों से छलनी 5 आतंकियों के शव मिले। आतंकियों के पास से 5 असॉल्ट राइफलें, 16 मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस, 2 वायर कटर, 12 हथगोले, मैट्रिक सीट, जीपीएस, 3 रेडियो सेट, दवाएं, खाने पीने का सामान और कुछ अन्य युद्धक सामग्री भी मिली। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों के शव एक ही जगह से बरामद हुए, जबकि 3 आतंकियों के शव 1 किलोमीटर के दायरे में पड़े हुए मिले थे। उसके अलावा वहां खून के कुछ धब्बे भी मिले। घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोई नई बात नहीं है। घाटी में शांति भंग करने के मकसद से घुसपैठिए घाटी में दाखिल होते हैं और इन्हें पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिलता है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है, शायद इसीलिए घाटी में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सेना के ऑपरेशन से पाक बौखला गया है। लेकिन पाक की ये बौखलाहट भी अब आतंकियों को बचा नहीं पाएगी और आतंकियों के साथ साथ पाक को भी करारा जवाब दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आतंकियों पर जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं उनके हौसले भी पस्त होते जा रहे हैं और इस कार्रवाई के बाद बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई जिसके बाद पूरी तरह से हमारी सेना भी तैयार नजर आई। पाक सेना ने उड़ी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर जिस तरह से फायरिंग की थी, जिसमें एक जवान भी घायल हुआ था और उसे चोटें आई थी, जिसके बाद सेना ने घुसपैठ के कई बड़े प्रयासों को नाकाम किया है, 5 आतंकियों को मार गिराया है। तो घाटी में लगातार आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। घाटी में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक ऐसे ही ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ के बड़े प्रयास को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया था। सेना के मुताबिक एलओसी पर कुछ और घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका थी, जिस आशंका के चलते घाटी में सेना ने अपना अभियान ये जारी रखा और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। तो आतंकियों पर हो रही इस कार्रवाई से पाक किस कदर बेचैन है, इसकी नजीर लगातार सामने आ रही है। मंचल सेक्टर में अपने 5 आतंकियों की मौत से पाक पूरी तरह से बौखला गया है। इस बौखलाहट में पाक सेना ने उड़ी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। वहीं गोलियों की बौछार थमने के कुछ देर बाद भारतीय जवानों के एक दल ने घुसपैठ की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में कॉम्बिंग की तलाशी ली। इस दौरान सेना की 4 गढ़वाल रेजिमेंट का एक हवलदार नरेंद्र सिंह बिष्ट भी गोलीबारी में जख्मी हो गया। तो 5 आतंकियों को मार गिराया है और लगातार आगे ये कार्रवाई चलती रहेगी। एलओसी पर कुछ और घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है, ऐसे में पूरे इलाके को सीज कर दिया गया। इसके अलावा सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और यह माना जा रहा है कि अगले
तेज 24 घंटे पर एक बार फिर से सेना एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है और छुपे हुए घुसपैठियों को मार गिराया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आतंकियों के पास से 5 राइफल्स भी मिली है, 16 मैगजीन मिले और भारी मात्रा में कारतूस भी इनके पास मिले हैं, जिसमें 2 वायर कटर, 12 हथगोले, जीपीएस, 3 रेडियो सेट, दवाएं और खाने पीने का सामान और अन्य युद्धक सामग्री भी मिली है। और जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसमें यह भी पता चल रहा है कि 2 आतंकियों के शव एक ही जगह से मिले हैं, जबकि 3 आतंकियों के शव 1 किलोमीटर के दायरे में पाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर खून के कुछ धब्बे भी मिले हैं जो मारे गए आतंकियों के अन्य साथियों के हो सकते हैं।